हाय माय डियर फ्रेंड्स, आपण मानको आम चैनल शिशु उत्कल पद्धति को पुनः से स्वागत। आज हम समाधान करबा उदाहरण 19। तो प्रश्न आउची एक स्तंभ ए बी रो पाददेश बी रु अनुभूमिक सरल रेखा उपरिस्थ दुई डी बिंदु पी ओ क्यू रो बी ठारु दूरता यथाक्रमे ए मीटर ओ बी मीटर। पी ओ क्यू स्तंभ शीर्ष ए रो कौणिक उन्नति परिमाण यथाक्रमे अल्फा डिग्री और बीटा डिग्री। जदि अल्फा प्लस बीटा 90 हुए तेबे स्तंभर उच्चता ए बी निरूपण कर। तो आउछ प्रश्न देखंतु एक स्तंभ ए बी रो पादेश गणति एरा स्तंभ ए बी रो पादेश बी पादेश बी माने बी रो तळ रहबो एरा स्तंभ ए बी एला ए एला बी हमर पादेश बी अनुभूमिक सरल रेखा उपरिस्थ माने बीरु अनुभूमिक सरल रेखा माने जे भूमि सहित समांतर बा भूमि पर रहिछ तरे येला भूमि ऊपर रहिछ जे से भी भूमि पर जे रहिछ येला अनुभूमिक सरल रेखा। आमे इठारे यदि ए बिंदु कथा दे तबे भूमि सहित समांतर कर कथा तो बी इठारे भूमि ऊपर आमे रखि दे अनुभूमिक सरल रेखा रखि दे। अनुभूमिक सरल रेखा ता समांतर रहि पारे किमा भूमि ऊपर मध्ये भी रहि पारे। तो बी रु अनुभूमिक सरल रेखा उपरिस्थ दुईटी बिंदु लेले आमे गोटे ले पी आउ गोटे ले क्यू दूरता यथाक्रमे ए मीटर ओ बी मीटर। पी रो दूरता हला ए मीटर माने एई तक हला ए मीटर आउ एई तक हला बी क्यू तक हला बी मीटर एई तक हला बी मीटर एई तक हला बी मीटर। तापर कहिछि पी ओ क्यू स्तंभर शीर्ष ए रे कणिक उन्नति परिमाण अल्फा डिग्री बीटा डिग्री माने पी टा ए सहित अंकन करछि केत डिग्री अल्फा डिग्री क्यू टा ए सहित अंकन करछि केत डिग्री ना बीटा डिग्री। पी टा पी रो कणिक उन्नति पी ओ क्यू स्तंभ शीर्ष ए रो कणिक उन्नति माने पी क्यू स्तंभ ए रे कणिक उन्नति माने बी रु ऊपर को जीव ए पई कोण को उन्नत तन वाला होता क्यू रु ऊपर पे ए को जीव कोण को उन्नति वाला बीटा। साधारण मन रखते हो जो कोणिक उन्नति अंकन करचे सेटा ही मुख्य पार्ट आउ सब आपण जे जहां तत क्षेत्र पाई जीवे किंतु कोणिक उन्नति ते नला बेले बा कोणिक अवनति नला बेले ता पर ध्यान रखियो जा बेले। तो ये वाला अल्फा ये वाला बीटा एवं प्रश्न रहिछि कोण ना अल्फा प्लस बीटा जदि 90 हुए 90 डिग्री हुए तबे स्तंभर उच्चता ए बी को निरूपण कर। जेतु ए जो दूरता ए आ जो दूरता बी देछि तनो स्तंभर उच्चता मध्य ए बी आकार आसीबो। जदि एटा ओ संख्या दे थांदा एवं एटा मध्य संख्या दे थांदा जो दूरता रे संख्या आकार दे थांदा तबे ए बी रे उच्चता ओ संख्या जे संख्या आकार थांदा तो जेतु से ए बी आकार देछि तनो स्तंभर उच्चता मध्य ए बी आकार रे बा ए बी रूप रे आसीबो। तो वीडियो को आगे रहतु कहले कुछ चैनल को सब्सक्राइब करंतु वीडियो को लाइक करंतु शेयर करंतु एवं जहां डाउट रहउछ ताको कमेंट्स रे रखंतु। बतन आमे आकु समाधान करबा जहां बतन आमे के रहिला एटा हमर चित्र अंकन माने हमर ज्यामिति दृष्टि आमे चित्रली कर देले बतन ताको समाधान आमे करबा। तो बतन आमे समाधान बाट लिखिबा मन कर स्तंभ ए बी जो अछि से स्तंभ ए बी रो उच्चता होउछि x एठारे जो दूरता अछि p रु b रो दूरता pb हला a आउ q रु b दूरता से qb हला b पता नै b टा को लिखै रहौ छी एना हम बुझिबा रे ठीक असुविधा हो आगु हम जो त्रिकोण ठीक अनुपात प्रयोग करबा असुविधा हबे त लिखै जे तो pb हला a आउ ई जो bq सेटा होछि b bq होछि b। तो बर्तमान देखो त हम पाके b कोण होछि न एठारे b कोण होछि 90 डिग्री बी कोण होची 90 डिग्री कारण स्तंभटी भूमि सहित अनुभूमिक रेखा सहित स्तंभटी पूरा सीधा भाबे अछि तरो स्तंभर पाददेशटी अनुभूमिक रेखा सहित बा भूमि सहित एक 90 डिग्री कोण अंकन करूछि तरो बी कोण हला 90 डिग्री। बतन आपके दुईटी समकोण त्रिभुज मिलिला प्रथमे देखिबा त्रिभुज ए पी बी गोटे समकोण त्रिभुज आ ओटा त्रिभुज ए क्यू बी गोटे समकोण त्रिभुज। तो त्रिभुज ए क्यू ए पी बी रे त्रिभुज ए पी बी रे जहाँ कि समकोणी त्रिभुज तो जेहेतु ये समकोणी त्रिभुज आम त्रिकोणमितिक अनुपात ये प्रयोग कर बर्तमान ये लिखा टैन अल्फा अल्फा मुझे पी बिंदु कणिक मुझे अल्फा तेनाली प्रयोग कर टैन अल्फा
tan alpha कौन ना p by b हम जान जाएगू tan theta होती p by b तो tan alpha ला p by b that implies tan alpha equal to p माने जो कोण रो सम्मुखीन है रहिबो तो कोण रो सम्मुखीन के अछि ना ab अछि एवं ab रो परिमाण ता केते प्लस ab एवं भूमि के अछि त्रिभुज ab रे अल्फा कोण सहित अल्फा कोण रो जे सम्मुखीन सी हैला p एवं अल्फा कोण सहित जो बाहुटी संश्लिष्ट सी हबो pp तमे कहबो अल्फा कोण सहित ए बाहु बाहुटी संश्लिष्ट किंतु ये होची कर्ण कना कर्ण सदा बेले स्थिर थाए समकोण रो जे सम्मुखीन रहबो सी हबो कर्ण तेनु कोण सहित दीटा बाहु लागिछि ये हैला कर्ण एवं ए जो बाहु तळ लागिछि सेउटा ही हैला भूमि तेनु p by b रहिले p हैला परपेंडिकुलर अल्फा जे हैला सम्मुख समकोण रो जे हैला जो कोण रो से कोण रो सम्मुखीन एटा हैला ab एवं b हैला भूमि बेस एटा होछि pp बा ab हम जानछे केते ना ab होछि x pp होछि केते ना a तनु पाइले tan अल्फा हैला x by a ठीक सही वाली त्रिभुज हमें aqb रे aqb माध्यम रो समकोण त्रिभुज तो त्रिभुज aqb रे जेतु एटा गोटे समकोण त्रिभुज एथार मध्य आमे त्रिकोणमितिक अनुपात को प्रयोग करि परिबा एटा देखंतु क्यू कोणटा केते ना बीटा कना क्यू कोण होछ गोटे कोणिक उन्नति बीटा कोण दिसला एठी पुनी मु tan बीटा प्रयोग करली tan बीटा केते ना p by b आमे जाकु जानछ tan थीटा माने p by b तो p केते एठी एठी आ पय p होछि परपेंडिकुलर माने aqb जत देखंतु धरु ते नाही एटा भूली जात ए क्यू बी चित्रले बी कोण जे सम्मुखीन सेला के ए बी तनु ए पी हला के होची ए बी विभक्त को बी भूमि क्यू कोण से संपूर्ण भूमि के आयुटा क्यू बी तनु ए बी बाय क्यू बी चार मूल्य होची केते तनु tan बीटा केते गेला दैट इंप्लाइज tan बीटा इक्वल टू ए बी बाय क्यू बी माने ए बी केते ना एक्स qb केते qb होची b आमे नै चाहु qb होची b प्रश्न देइतला तनु आमे पाइले tan अल्फा होची x / a इन पाइले अछि कोन tan अल्फा इक्वल टू x / a तने गेला समीकरण 1 एवं tan बीटा पाइले x / b समीकरण 2 किंतु आमे प्रश्न देइछि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 ओतो आमे ताकु प्रयोग करिया आमे मुख्यतः tan थीटा रो प्रयोग रे एई प्रश्नावली रो क्वेश्चन सब समाधान करिबा तो बतन अल्फा प्लस बीटा जे 90 उभय पटे tan प्रयोग करिबा तो आमे समीकरण 1 रे पाइले tan अल्फा इक्वल टू x / a एवं समीकरण b रे पाइले tan बीटा इक्वल टू x / b हमगो हमर उद्देश्य होची आमे ab स्तंभ रो उच्चता निरूपण करिबा जे मु जित लिखि दैछि तो जे आपन जे करथिबे लक्ष्य देखंतु ab स्तंभ रो उच्चता को आमे लेले x एवं आम प्रश्न जो समाधान करते आम उद्देश्य होची आमे ab स्तंभ x को निर्णय करिबा आम उद्देश्य होची x को निर्णय करिबा तो आप पाके दुईटी समीकरण रहला एवं अल्फा प्लस बीटा आमे 90 पाइले ए सब रो प्रयोग रे आमे x को निर्णय करिबा तो अल्फा प्लस बीटा रे 90 हुए तबे tan अल्फा प्लस बीटा केते हिबो उहे पटे tan नै गेली इक्वल टू tan 90 अल्फा प्लस बीटा ला 90 तनो tan अल्फा प्लस बीटा ला tan 90 तोन tan a plus b का फार्मूला कोन तक प्रयोग करिवा tan a plus tan b विभक्त को 1 minus tan a into tan b equal to tan 90 हला रिजल्ट को बाय इनफिनिटी तो एति पाइला परे आ गोटे कथा हम कहले बुझी एठारे इनफिनिटी माने कथिला इनफिनिटी जतले इनफिनिटी आसीबो सेतबेले तळटा 0 हरटा 0 माने 2/0 हेले हम त इनफिनिट लिखिबा 1/0 हम त इनफिनिट लिखिबा अर्थात जो क्षेत्र रे हरटा 0 होई जीवो सेई क्षेत्र रे इनफिनिट लेखा जाय ता माने इथि भी हरटा 0 न इनफिनिट के निसा न उपरटा जा हो जा जो संख्या हो हम किछि माने जाय असे नाही जो तळटा 0 निश्चय हि तळे एटा इनफिनिट के दसबो 1/0 हो 2/0 हो 3/0 सब इनफिनिट को जाय तोरे तळटा निश्चय 0 तोरे पाइले 1 minus tan alpha into tan beta equal to 0 बस एपडू नै गेले पाई गेले कोण ना tan alpha into tan beta equal to 1 माने 1 रखिले सेपडू नै गेली tan alpha into tan beta
वन इक्वल टू टैन अल्फा इंटू टैन बीटा बा लिखि देली टैन अल्फा इंटू टैन बीटा इक्वल टू वन तो टैन अल्फा केते थिला समीकरण एक रे एक्स बाय ए टैन बीटा थिला केते ना एक्स बाय बी समीकरण पाई थिला जो जस्ट लिखि दिसि तो पाई गेलै इति कि वर्तमानटा केते गेला ना एक्स स्क्वायर बाय ए बी इक्वल टू वन बा एक्स स्क्वायर हला केते ना ए बी बा एक्स हला ए बी रो रूट ऑफ तेनु जो स्तंभ आमे नैथिले स्तंभर उच्चता एक्स से स्तंभर उच्चता एक्स इक्वल टू ए बी रो स्क्वायर रूट मीटर हबो।